हेलो बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू गिव अ प्रूफ ऑफ अ थ्योरम ऑफ द डिविजिबिलिटी इन नंबर थ्योरी। द थ्योरम इज एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन हैज अ प्राइम फैक्टर। मतलब क्या हुआ, कोई भी नंबर लीजिएगा आप। जैसे मैंने कहा, मैंने नंबर लिया बच्चों, मैंने क्या लिया, 6 नंबर लिया। इस 6 के मैं फैक्टर करूं, प्राइम फैक्टर, तो 6 के प्राइम फैक्टर आए 2 × 3। तो देखो, इस प्राइम फैक्टर में ये 2 भी एक प्राइम नंबर है और एक 6 भी प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर मिल गए देखने के लिए। मैं और एक नंबर लेता हूं। मैंने बच्चों कहा 7, तो 7 1 × 7 यहां पर हमारे लिए एक ही प्राइम फैक्टर मिला 7 का। कितना प्राइम फैक्टर मिला, 1। मैं और नंबर ले लेता हूं। मैंने जैसे सपोज करिएगा, मैंने बच्चों कहा 14, मैंने कहा 21, क्या मैं और मैं कह 63, 63 के 3 × 3 × 7 तीनों जो फैक्टर्स मिले वो हमारे पास में कैसे प्राइम फैक्टर, क्योंकि प्राइम फैक्टर कर रहे हैं हम। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि किसी नंबर का एक ही प्राइम फैक्टर मिले। जैसे मैंने कहा 13, तो 13 का एक ही प्राइम फैक्टर मिलेगा, 13 का प्राइम फैक्टर, ये 13 ही आया खुद। तो किसी भी नंबर में कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा, एक से ज्यादा भी प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमें यह शो करना है कि एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर डेफिनेटली होगा। तो इसे बच्चों, ये तो मैंने आपको नंबर्स लेकर के एक्सप्लेन कर दिया। यहां पर मैं किस तरीके से इसे एक्सप्लेन किया जाएगा, प्रूफ कैसे दिया जाएगा, तो देखते हैं बच्चों क्या कर रहे हैं। प्रूफ देता हूं। ये थ्योरम 2 तरीके से देखने को मिल सकते हैं। एवरी नेचुरल नंबर अदर देन 1 हैज एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर, ये भी कह सकता है, कम से कम एक प्राइम फैक्टर जरूर होगा, या ये कह सकता है हैज अ प्राइम फैक्टर, एक प्राइम फैक्टर जरूर रखता है, ये ज्यादा बेटर है। प्रूफ देखें हम क्या कर रहे हैं, ये प्रूफ दे रहे हैं, और प्रूफ के लिए हम मान ले रहे हैं लेट एन बी आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अदर देन 1 के अलावा कोई नेचुरल नंबर है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर ले रहे हैं वो ग्रेटर देन 1 है, 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई नेचुरल नंबर ले रहे हैं। लेट एन बी अ नेचुरल नंबर अदर देन 1, तब क्या हो सकता है बच्चों, देन एन क्या हो सकता है, देन एन इज ईदर प्राइम और कंपोजिट। तो बच्चों एन या तो प्राइम है या एन कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 या अपने से ही डिविजिबल होते हैं। जैसे मैंने कहा 7, 1 से डिविजिबल है, और 7 से डिविजिबल है, तो 7 हमारे पास में क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। तो
वन और अपने आप के अलावा किसी भी और नंबर से डिविजिबल नहीं है। टू से डिविजिबल नहीं है, थ्री से डिविजिबल नहीं है, फोर से डिविजिबल नहीं है, फाइव से डिविजिबल नहीं है, सिक्स से डिविजिबल नहीं है, किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है। अब मैंने एक नंबर और ले लिया, मैंने सपोज कर लिया बच्चों 12 ले लिया, 12। तो देखो 12 बच्चों वन से डिविजिबल है, 12 12 से डिविजिबल है, ये दो कंडीशन तो फुलफिल होंगी हर नंबर में। 12 बच्चों 2 से भी तो डिविजिबल है, 12 बच्चों 3 से भी तो डिविजिबल है, 12 बच्चों 4 से भी तो डिविजिबल है। तो अगर कोई नंबर अपने वन और स्वयं के अलावा एटलीस्ट एक नंबर से किसी से कम एक नंबर से ज्यादा डिविजिबल है और तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ये कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन थी, और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन, प्राइम नंबर की डेफिनेशन मैंने बहुत डिटेल में दी है, तो उन्हें देख करके ही देखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास में हम ये माने इफ एन इज प्राइम, हमारे पास दो रिजल्ट आए, एन इधर प्राइम और कंपोजिट। हमने मान लिया एन क्या है, प्राइम है, देन इट इविडेंट ही है, देन इट इज evident that M has prime M. तो सेवन प्राइम नंबर है, सेवन के फैक्टर्स खाने वन इंटू सेवन आएंगे, तो ये हमारे पास में सेवन एटलीस्ट एक प्राइम नंबर कंटेन कर रहा है। मैं दूसरा प्राइम नंबर ले लेता हूँ, मैंने कह दिया 17, वन इंटू 17 फैक्टर्स होंगे, तो 17 एक प्राइम फैक्टर है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम ये लेंगे, तो ये हमारे रिजल्ट के लिए क्या कर रहा है, एन अगर प्राइम है तो वो नंबर, जैसे सेवन लिया तो सेवन ही एक प्राइम फैक्टर आया, 17 लिया तो 17 ही एक प्राइम फैक्टर आया, 13 ले लेंगे तो 13 ही एक प्राइम नंबर आएगा। वन तो प्राइम नंबर है नहीं, क्यों नहीं है वो आप मेरी जो यहां पर मैंने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को डिफाइन किया है वहां देखिएगा, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट कि वन क्यों कोई प्राइम नंबर, वन क्या प्राइम नंबर नहीं है क्यों। तो देखे बच्चों हमारे पास में 13 ही प्राइम नंबर है, तो एन जब प्राइम है तो वो एन ही एक प्राइम फैक्टर आएगा, ये प्राइम फैक्टर एक ही आया है इसमें, तो एटलीस्ट वन कह रहा है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। अब हमने कह दिया एन क्या है, इफ एन इज कंपोजिट, एन क्या है कंपोजिट है, ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो जब एन कंपोजिट है तब क्या होगा बच्चों, देन एन हैव फैक्टर्स अदर देन वन एंड एन। मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कह दिया 12 बच्चों मैं कंपोजिट नंबर और वन कोई प्राइम नंबर नहीं है इसमें, चलो बोल दे रहा हूँ वन के फैक्टर, 12 का फैक्टर निकाले, 12 का फैक्टर निकाला, 1 इंटू 12, 12 का 2 इंटू 6, 12 3 इंटू 4, तो 12 के फैक्टर्स आए या डिवाइजर आए फैक्टर्स ऑफ
12 आर, क्या क्या फैक्टर है, 1 2 3 4 6 12, कई फैक्टर आए यहाँ, 1 2 3 4 5 6 फैक्टर्स आए। अब मैं 7 का फैक्टर निकालू, 7 1 into 7 फैक्टर्स ऑफ 7 आर 1 and 1, 7। अब मैं बच्चों 1 ले लेता हूँ, 1 का फैक्टर निकालू, 1 into 1 फैक्टर ऑफ 1 इज 1। कोई नंबर दो बार नहीं लिखा जाएगा, कोई नंबर दो बार नहीं लिखा जाएगा, 1। तो देखो बच्चों, अगर किसी भी नंबर के सिर्फ दो फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हैं तो वो हमारे पास में एक प्राइम नंबर कहलाएगा। दो फैक्टर हैं इसलिए 7 प्राइम नंबर हो गया। अब यहां पर देखें 1 का कितना फैक्टर है, एक ही फैक्टर है, 1 के दो तो फैक्टर है नहीं, तो 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। और अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है किसी नंबर के, यहां पर देखें 6 के फैक्टर्स निकालें, 6 1 into 6 6 2 into 3, तो 6 के फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 6, कितना है, 4 फैक्टर्स आए। तो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो वो हमारे पास में कंपोजिट नंबर कहलाएगा, 6 कंपोजिट नंबर है, 12 कंपोजिट नंबर है। अगर सिर्फ एग्जैक्ट 2 फैक्टर हो तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। और 1 हमारे पास में एक ही फैक्टर रख रहा है तो ना तो ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए, ये अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये समझ सकें कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो हमारे पास में n क्या है, कंपोजिट है, देन n हैज, हमारे पास में देखें अभी 12 के फैक्टर्स क्या क्या आए, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 6 आया, 12 आया, 1 भी आया, 12 भी आया। 1 और 12 के अलावा अदर नंबर्स भी इसके फैक्टर्स हो तो हमारे पास में क्या होगा, ये कंपोजिट नंबर होगा। तो 2 3 4 6 ये और फैक्टर हैं 12 में, 1 और 12 के अलावा। तो 1 और n के अलावा ये n और फैक्टर्स भी रख रहा होगा, 1 और 12 के अलावा अदर फैक्टर भी रख रहा है, इसलिए ये 12 एक कंपोजिट नंबर है। अब देखें, अब हम मान लें बच्चों, क्या मान लें, लेट पी, लेट पी बी लीस्ट फैक्टर, लीस्ट फैक्टर अदर देन 1, 12 के फैक्टर्स आए 1 2 3 4 6 12। अब हमने ये पी लिया, ये लिस्ट का, हमने इसे लिस्ट का, अब हम सपोज करो हम इसे लिस्ट बोल दें, इसे लिस्ट कहा, ये लिस्ट पी क्या है, लिस्ट है, ये किसके अलावा, 1 के अलावा, ये लिस्ट है पी बी लिस्ट अदर देन 1। तो बच्चे देख रहे होंगे कि हमने इसे पी बोला तो 12 को डिवाइड कर रहा है पी, दैट एम्प्लाइज 2 डिवाइड्स 12,
such that, such that, क्या है बच्चों, वन से बड़ा है p और n से छोटा है, और p क्या है, एक फैक्टर है, किसका, n का, एंड p डिवाइड करेगा n को, क्योंकि p क्या है, n का एक फैक्टर है, तो एक फैक्टर है 12 का, तो 2 डिवाइड करेगा 12 को, p एक फैक्टर है, तो p डिवाइड करेगा n को, ये लिखा बच्चों मैंने, आगे देखते हैं, इतना समझ में आया हो। अब बच्चों हम, हमारे पास में नाउ वी हैव टू शो दैट, शो दैट पी इज प्राइम, हमें ये क्या शो करना होगा, पी क्या है, प्राइम है। अब इसे हम शो करने के लिए कि पी प्राइम है, हम ये मान लें कि पी प्राइम नहीं है, पी प्राइम नहीं है तो क्या है, पी कंपोजिट है, तो देखिए क्या लिख दें, लेट अस सपोज दैट पी इज नॉट प्राइम, पी प्राइम नहीं है तो पी क्या है, विच विच, अभी रुको बच्चों, विच शोज दैट P is composite. P प्राइम नहीं है तो P कंपोजिट हो गया। अब P जब कंपोजिट है तो P हमारे पास में क्या रख रहा होगा, हमारे पास में फैक्टर्स कंटेन कर रहा होगा, P क्या कंटेन कर रहा होगा, फैक्टर्स कंटेन कर रहा होगा, दस there exists p1 and हमने मान लिया exists two integers p1 and p2, जो p1 है वो 1 से बड़ा है और लेस देन है बच्चों हमारे पास में किससे, p से, एंड p2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है और लेस देन p है, कैसे, जैसे मैंने कहा 12 इज इक्वल टू 3 × 4, तो ये बच्चों p1 है, ये बच्चों p2 है और ये p है, तो देखो 3 जो है वो 1 से बड़ा है और 12 से छोटा है, और 4 भी बच्चों 1 से बड़ा है 12 से छोटा है, तो p1 1 से बड़ा है और p से छोटा है, p2 1 से बड़ा है और p से छोटा है, तो देखिए बच्चों, then p is equal to p1 p2 that implies, अब बच्चों देखिए, जैसे मैंने कहा कि 12 इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 3 × 4,
ये चीज क्या शो कर रही है, ये चीज ये शो कर रही है, थ्री डिवाइड्स ट्वेल्व, थ्री को लिख दो ट्वेल्व को डिवाइड कर रहा है। अब जैसे मैंने बच्चों मैंने कहा फिफ्टीन, थ्री चलो सही, थ्री डिवाइड्स ट्वेल्व, फोर डिवाइड्स ट्वेल्व भी लिखा जा सकता था। हम पी वन डिवाइड्स पी या पी टू डिवाइड्स पी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। हम क्या लिख रहे हैं, पी वन डिवाइड्स पी, पी वन डिवाइड्स पी, और यहां हमारे पास में देखें बच्चों पी डिवाइड्स एन, और यहां पर पी वन डिवाइड्स पी। तो देखिए बच्चों हमारे पास में यहां पर क्या आया, पी वन डिवाइड्स पी, पी वन हमारे पास में पी को डिवाइड कर रहा है एंड पी वन, पी वन लेस देन है पी के, तो हमने यहां पर ये लिया था कि जो प्राइम फैक्टर करेंगे एन के, तो जो पी है वो लीस्ट प्राइम फैक्टर है वन और वन के अलावा। हमने कहा लिखा पी बी लीस्ट फैक्टर अदर देन वन, तो वन वैसे लीस्ट फैक्टर है, वन के अलावा पी एक लीस्ट फैक्टर है। तो हमारे पास में पी वन पी को डिवाइड कर रहा है और पी डिवाइड कर रहा है एन को। तो यहां बच्चों देखें इस तरीके से लिखिए, सिंस पी वन डिवाइड्स पी एंड पी डिवाइड्स एन। इस चीज को बच्चों कैसे समझे, जैसे मैंने कहा टू डिवाइड सिक्स, सिक्स को टू डिवाइड कर रहा है एंड सिक्स डिवाइड्स एटीन, सिक्स एटीन को डिवाइड कर रहा है, एटीन को डिवाइड कर रहा है सिक्स, और सिक्स को डिवाइड कर रहा है टू। तो बच्चों देखो जो टू है वो एटीन को डिवाइड करेगा, दैट इंप्लाइज टू डिवाइड्स एटीन, टू डिवाइड्स किसके लिए, टू डिवाइड सिक्स और सिक्स डिवाइड एटीन, तो ये वाला टू एटीन को डिवाइड करेगा। पी वन डिवाइड पी और पी डिवाइड एन, दैट एम्प्लाइज पी वन डिवाइड पी। अब पी वन पी को डिवाइड कर रहा है, पी वन पी को डिवाइड कर रहा है, सॉरी पी वन डिवाइड कर रहा है पी को एंड पी डिवाइड कर रहा है एन को, इसका मतलब हुआ पी वन डिवाइड करेगा इस एन को, एन को पी वन एन को डिवाइड कर रहा है। ये चीज क्या शो कर रही है, ये चीज शो कर रही है कि पी वन एक फैक्टर है, दिस शोज पी वन इज अ फैक्टर ऑफ, पी वन इज फैक्टर ऑफ एन एंड पी वन, तो देखें सिंस पी वन इज अ फैक्टर ऑफ
and p1 is less than p. तो देखो वन पी और ये एन, तो मैंने पी एक p1 इंट्रोड्यूस कर दिया, p1 पी से छोटा, हमने कहा पी छोटा है सबसे छोटा वन के अलावा, लेकिन पी के अलावा हमारे पास में पी से छोटा p1 भी है, तो हमारे पास में पी बी लीस्ट फैक्टर इस एजम्पशन को क्या कर रहा है, रॉन्ग प्रूव कर रहा है। अब ये बच्चों मैं रब कर देता हूं, तो क्या लिखेंगे हम हमारे पास में, विच कंट्राडिक्ट आवर assumption that P is least factor, P is least factor other than one के अलावा, hence इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमने जो n कंपोजिट नंबर लिया था, n हमारे पास में बच्चों is not composite, p is not composite, p हमने क्या करा था, हमने p composite लिया था, तो हमारे पास में p से छोटा एक नंबर और है p1, तो p हमारे पास में composite नहीं है हमारे पास में, तो hence p is not composite। और हम बच्चों that is composite नहीं है तो क्या है, p is prime, तो हमारे पास में वन और n के बीच में हम जब n को क्या ले रहे हैं, कंपोजिट ले रहे हैं, तो एक p1 हमारे पास में क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, p हमारे पास में नॉट कंपोजिट, तो p क्या है, p इज प्राइम, p क्या आया हमारे पास में बच्चों, p प्राइम आया, p क्या आया प्राइम, तो p प्राइम आ गया, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास में n जो है वो एट लीस्ट वन कंपोजिट नंबर, सॉरी वन प्राइम नंबर कंटेन कर रहा है। दिस शोज दैट n हैज एट लीस्ट वन प्राइम, सो क्या हुआ, यहां से लिखिए, एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर अदर देन वन, अदर than one has, या तो ये लैंग्वेज लिख लें आप, प्राइम फैक्टर, has at least one prime, हमने ये दिखा दिया कि p कंपोजिट नहीं है,
तो पी कंपोजिट नहीं है, इट मींस व्हाट इज पी, पी इज अ प्राइम। और हमने वन और एन के बीच में ये जो पी नंबर लिया था जिसे हमने कंपोजिट बोला था, उस कंपोजिट हमने कहा कि ये कंपोजिट नहीं है, इट मींस ये प्राइम है। तो हमने वन और एन, एन को जब कंपोजिट लिया तो उसके बीच में कम से कम एक प्राइम नंबर पी हमने शो करके दिखा दिया। तो वो ही हमारे पास में हमने रिजल्ट, यही वाला रिजल्ट लिख दिया। तो हैंस प्रूफ, ये प्रूफ देना था बच्चों हमें, तो हैंस प्रूफ ना लिखे। तो बच्चों ये अगर थ्योरम आपको समझ में आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, और हर अपलोडेड वीडियो को, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके, और एक मेरे लिए भी मोटिवेशन प्राप्त हो सके कि मैं, मेरे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोज को लाइक कर रहे हैं, मुझे और वीडियोज बनानी चाहिए। तो ये बच्चों मेरे लिए, जब आप सब्सक्राइब करेंगे जो एक गुरु दक्षिणा होगी मेरे लिए, उसी से पता चलेगा और मोटिवेशन देगा मेरे लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।